हेलो दोस्तों, टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल का एक टॉपिक है जो कि लीवर बायोप्सी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लीवर बायोप्सी है वो एग्ज़ाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार नॉर्थ सेट है, ESIC है, उनमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द लीवर बायोप्सी। सो लीवर बायोप्सी इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्ज़ाम पर्पज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो टैलेंट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ में शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जो क्लासेस है वो पहुँच सके और सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे पता लग सके कि किसी भी तरीके के अगर क्लास के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है या फिर किसी भी तरीके का डाउट है उसका हमें पता लग सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब्सक्राइब है वो करने के साथ साथ में लाइक और कमेंट भी करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीवर बायोप्सी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लीवर बायोप्सी के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें लीवर बायोप्सी, तो लीवर बायोप्सी के नाम से आप पता लगा सकते हो कि लीवर है वो क्या है। लीवर तो आप जानते हो, लीवर क्या होता है, बायोप्सी का मतलब क्या होता है। इस बायोप्सी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी टिश्यू कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लीवर का मतलब तो लीवर है ही, प्लस हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्शन का मतलब ही क्या होता है, बायोप्सी होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग यहाँ हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्शन फ्रॉम द लीवर नॉन एज लीवर बायोप्सी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्टेड फ्रॉम लीवर। ठीक है दोस्तों, कलेक्टेड फ्रॉम लीवर, यहाँ पर बात हुई डेफिनेशन इंट्रोडक्शन की, जिसके अंदर हमने देखा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टिश्यू कलेक्टेड फ्रॉम लीवर नॉन एज लीवर बायोप्सी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ में हम लोग बात करें लीवर बायोप्सी के पर्पज़ की, तो लीवर बायोप्सी के जो पर्पज़ है, तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर दो पर्पज़ बताए गए हैं, एक तो होता है जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और इसके पर्पज़ क्या होता है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और एक हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों हम लोग बात करें अगर पर्पज़ की अगर दोस्तों बात करें, तो हमने बताया एक तो होता है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एक होता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई दोस्तों पर्पज़ की। ठीक है, डेफिनेशन और पर्पज़ के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग दोस्तों चलते हैं इसके आगे, जो नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर, कि पेशेंट के अंदर क्या प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट बिफोर प्रोसीजर। तो हम लोग अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों बात करें प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर। दोस्तों प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर की अगर बात करें, तो प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर में हम लोग फर्स्ट में हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है दोस्तों, प्रिपरेशन बिफोर प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ तो पेशेंट है उसके इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग चेक करवा सकते हैं ब्लीडिंग टाइम है उसको असेस करवा सकते हैं, या फिर क्लॉटिंग टाइम है उसको चेक करवा सकते हैं, और नेक्स्ट वन है जो प्लेटलेट टाइम है उसको भी
असेस करेंगे, ठीक है दोस्तों, कि इसके अंदर कोई ये जो भी टाइमिंग है, चाहे ब्लीडिंग ब्लड ब्लीडिंग टाइम हो, क्लोटिंग टाइम हो, प्लेटलेट टाइम हो, इसके अंदर किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा एक तो जैसे कि ब्लीडिंग टाइम, नेक्स्ट हमने देखा क्लोटिंग टाइम, और नेक्स्ट वन हमने देखा प्लेटलेट टाइम, ठीक है दोस्तों। इनके अंदर हमने देखा ब्लीडिंग टाइम की अगर बात करें तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है वो कितना होता है, 2 से 6 मिनट, ठीक है। तो 2 से 6 मिनट कई बुक्स के अंदर या फिर कई जगह आपको देखने को मिल सकता है, 1 से 8 मिनट भी है अदर बुक्स में है वो देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अदर बुक्स के अंदर आपको देखने का मिलेगा, स्टैंडर्ड जो टाइमिंग है वो हम लोग बोल सकते हैं 2 से 6 मिनट है वो है। और क्लोटिंग टाइम की अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग बोल सकते हैं 8 to 15 मिनट है वो इसका नॉर्मल टाइमिंग होता है क्लोटिंग का। और प्लेटलेट टाइम की अगर बात करें तो 9 to 15 मिनट है वो नॉर्मल प्लेटलेट टाइमिंग होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई प्रिपरेशन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम और प्लेटलेट टाइम है, इन सबको क्या करेंगे हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे, असेसमेंट करेंगे कि इसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, जिससे हम लोग जो अदर जो फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकते हैं प्रोसीजर के अंदर उसको हम लोग क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें, ठीक है दोस्तों, या फिर प्रिवेंट कर सकें। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जो ये ब्लीडिंग टाइम है उसके बारे में हम बताते हैं कि ब्लीडिंग टाइम हम लोग कैसे असेस करते हैं। ब्लीडिंग टाइम की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर बात करें ब्लीडिंग टाइम की, आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बता देते हैं कि ब्लीडिंग टाइम है कैसे असेस करते हैं दोस्तों। तो ब्लीडिंग टाइम की अगर दोस्तों बात करें तो ब्लीडिंग टाइम है यहाँ पर 2 मेथड से क्या करते हैं, असेस करते हैं ब्लीडिंग टाइम, 2 मेथड से असेस करते हैं। एक तो होता है डुके मेथड, एक तो होता है डुके मेथड और सेकेंड वन होता है IVY मेथड, ठीक है दोस्तों, IVY मेथड, ठीक है दोस्तों। IVY मेथड, IVY मेथड है जनरली किस कब यूज़ करते हैं, विंटर के अंदर ज़्यादा जनरली यूज़ करते हैं, जबकि ये डुके मेथड है कॉमनली यूज इन आवर कंट्री। हमारे जो इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो मेथड यूज़ करते हैं ब्लीडिंग टाइम को असेस करने के लिए वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो डुके मेथड है उस वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डुके मेथड की अगर दोस्तों बात करें तो डुके मेथड के अंदर क्या होता है, डुके मेथड से हम लोग ब्लीडिंग टाइम को असेस करने के लिए इसके अंदर जो प्राइमरी जो साइट होती है, प्राइमरी साइट कौन सी होती है, ईयर लोब, क्या होती है प्राइमरी साइट, क्या होती है ईयर लोब, ईयर लोब से हम लोग क्या करते हैं ब्लीडिंग टाइम को असेस करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ईयर लोब क्यों होता है, ईयर लोब की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर क्या होती है, लार्ज अमाउंट कैपिलरी, लार्ज अमाउंट में क्या होती है कैपिलरी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ईयर लोब है वो प्राइमरी साइट हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर की, प्रोसीजर की अगर बात करें हम लोग, प्रोसीजर की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं नीडल प्रिक ऑन ईयर लोब, क्या करेंगे नीडल है उसको क्या करेंगे प्रिक करेंगे, ईयर लोब के ऊपर क्या करेंगे नीडल को प्रिक करेंगे, नीडल को प्रिक करने के बाद में क्या करेंगे, इन एवरी 30 सेकेंड वाइप ऑफ द ब्लड फ्रॉम साइट, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे, प्राइमरी साइट हमने बताया कि ईयर लोब होती है, लार्ज अमाउंट के अंदर कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको प्राइमरी साइट के अंदर इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी साइट इसको चूज करते हैं। नेक्स्ट वन हमने देखा प्रोसीजर, प्रोसीजर में हम लोग फर्स्ट वन क्या करेंगे, जो ईयर लोब है वहाँ पर नीडल है क्या करेंगे प्रिक करेंगे, जैसे ही नीडल प्रिक करेंगे वहाँ पर क्या होगा ब्लड आना स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या करेंगे इन एवरी 30 सेकेंड, जो एवरी 30 सेकेंड है वहाँ पर क्या करेंगे जो ब्लड आ रहा है उसको क्या करेंगे उस साइड से क्या करेंगे साफ करेंगे, क्लीन करेंगे या फिर वाइप करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्लीन कर बार बार हम लोग 30 सेकेंड से क्या करेंगे क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के साथ साथ बार बार क्लीन करें, अब वहाँ पर अगर जहाँ क्लीन करते करते जहाँ पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है उसको क्या बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम, वेयर ब्लीडिंग स्टॉप, वेयर ब्लीडिंग स्टॉप उसी को क्या बोलते हैं हम लोग ब्लीडिंग
टाइम, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, ये बात हुई दोस्तों यहाँ पर डुके मेथड की। डुके मेथड मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर IVY मेथड के बारे में। सेकंड वन था हमारा IVY मेथड। IVY मेथड में हमने देखा ये मोस्ट कॉमनली विंटर के अंदर यूज करते हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इंसिजन ऑन स्किन 2 to 5 cm। इस पर क्या करते हैं IVY मेथड के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं स्किन के ऊपर क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं 2 to 5 cm का। ठीक है, और उससे क्या करते हैं ब्लीडिंग टाइम को असेस करते हैं। तो दोस्तों ये बात हुई प्रिपरेशन के अंदर, हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा था ब्लीडिंग टाइम को असेस करते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम को असेस करने के लिए कुछ मेथड है वो हमने देखे हैं, मेथड के अंदर दो देखे हैं, डुके मेथड और IVY मेथड। ठीक है दोस्तों, तो उस मेथड ये इस मेथड से क्या करते हैं हम लोग ब्लीडिंग टाइम है उसको असेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन दोस्तों हम लोग बात करें जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में बात करें यहाँ पर, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। सेकंड वन जो मैं बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये चीज़ ध्यान रखनी है। विटामिन के इंजेक्शन गिवन बिफोर 7 days ऑफ प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पेशेंट के अंदर अगर लीवर बायोप्सी होनी है उसके अंदर हम लोग 7 days पहले क्या करेंगे, विटामिन के इंजेक्शन है वो क्या करेंगे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लीवर बायोप्सी के अंदर 7 days से पहले कौन सा इंजेक्शन है लगाना ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो हम लोग बोल सकते हैं विटामिन के इंजेक्शन है वो 7 days पहले हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ बात हुई यहाँ पर जो प्रिपरेशन की। नेक्स्ट वन दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। ठीक है, ये बात हुई प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन और लास्ट में देखा था विटामिन के इंजेक्शन गिवन बिफोर 7 days ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर बात करें कि लीवर बायोप्सी है वो ऐसी कौन सी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। ठीक है दोस्तों, एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, या तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग टाइम हो या फिर क्या हो एबनॉर्मल क्लॉटिंग टाइम। तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग या फिर एबनॉर्मल क्लॉटिंग टाइम हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी पर्सन को ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया जैसी कंडीशन डेवलप रही हो किसी पेशेंट को, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसके अंदर भी क्या करते हैं हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। दोस्तों हमने बात की यहाँ पर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, नेक्स्ट वन हमने देखा था एबनॉर्मल BT ब्लीडिंग टाइम और CT क्लॉटिंग टाइम, नेक्स्ट में हमने देखा था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज द लेवल ऑफ प्लेटलेट्स नॉन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है दोस्तों, तो इन कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं जनरली जो लीवर बायोप्सी है वो कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन की अगर दोस्तों बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के अंदर यहाँ पर हो सकता है ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों, जो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लीवर बायोप्सी, तो हम लोग क्या करेंगे ब्लीडिंग। ठीक है दोस्तों, लीवर बायोप्सी है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ब्लीडिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की, लीवर बायोप्सी कॉम्प्लिकेशन की। नेक्स्ट वन हम लोग चलते हैं इसके प्रोसीजर की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके प्रोसीजर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसीजर की दोस्तों अगर बात करें तो प्रोसीजर के अंदर हम लोग 2 मेथड से क्या करेंगे प्रोसीजर करेंगे।
प्रोसीजर। ठीक है दोस्तों, प्रोसीजर की अगर बात करें दोस्तों तो लीवर बायोप्सी है उसके टू मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो होता है क्लोज मेथड, या फिर उसको बोलते हैं परक्यूटेनियस मेथड, परक्यूटेनियस मेथड, और नेक्स्ट वन था एक ओपन मेथड। ठीक है दोस्तों, परक्यूटेनियस मेथड है कॉमनली यूज, जो परक्यूटेनियस मेथड या फिर क्लोज मेथड है कॉमनली यूज किया जाता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि जो सैंपल कलेक्शन करते हैं, सैंपल क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जो बायोप्सी नीडल है उसके क्या करते हैं हम लोग सैंपल का कलेक्शन करते हैं कि स्किन है, स्किन से डायरेक्टली क्या करेंगे बायोप्सी नीडल इंसर्ट कराएंगे और सैंपल का क्या करेंगे कलेक्शन करेंगे इन द बाय द हेल्प ऑफ या फिर अंडर द लोकल एनेस्थेसिया अप्लाई करके क्या करेंगे डायरेक्टली बायोप्सी नीडल है वहाँ उससे क्या करेंगे हम लोग सैंपल कलेक्शन करेंगे, सैंपल कलेक्ट फ्रॉम आउट ऑफ स्किन अंडर लोकल एनेस्थेसिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सैंपल का कलेक्शन करेंगे स्किन को बाहर निकाल के, ठीक है सॉरी स्किन के थ्रू ही क्या करेंगे हम लोग है वो सैंपल का कलेक्शन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बायोप्सी नीडल अंडर द लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया पेशेंट को लगा के क्या करेंगे डायरेक्टली है वो नीडल जो बायोप्सी नीडल है उससे क्या करेंगे सैंपल का कलेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं ओपन मेथड के बारे में। ओपन मेथड की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है सैंपल कलेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी। इसके अंदर क्या करते हैं सैंपल कलेक्शन करेंगे ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान ही क्या करेंगे सैंपल का कलेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या कौन एनेस्थीसिया की अगर बात करें जनरल एनेस्थीसिया यूज, इसके अंदर क्या करेंगे जनरल एनेस्थीसिया है वो जनरली क्या करते हैं यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया है वो यूज़ करते हैं। पेशेंट को क्या करेंगे इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी एनबीएम 6 to 8 hours बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर से 6 से 8 घंटे पहले क्या करेंगे पेशेंट को क्या करेंगे नील बाय माउथ रखेंगे, मुँह से कुछ नहीं देना है उसको, ना तो पानी खाना कुछ भी नहीं देना है, NPO नील पर ओरल। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसीजर करने से पहले हम लोग है ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोसीजर की बात की हमने, क्लोज मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओपन मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्लोज मेथड के अंदर हम लोगों ने बताया कि क्लोज मेथड को हम लोग परक्यूटेनियस मेथड भी बोलते हैं दोस्तों, परक्यूटेनियस मेथड है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। परक्यूटेनियस मेथड के अंदर क्या करते हैं सैंपल कलेक्ट फ्रॉम आउट ऑफ स्किन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ बायोप्सी नीडल से क्या करेंगे डायरेक्टली सैंपल को कलेक्शन करेंगे अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट हमने देखा था ओपन मेथड के अंदर सैंपल कलेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान ही क्या करेंगे सैंपल का कलेक्शन करेंगे, और इसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, और पेशेंट को 6 से 8 घंटे तक क्या करेंगे NPO या फिर NBM रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल्स की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि आगे देखते हैं इधर आर्टिकल्स फॉर क्लोज मेथड। दोस्तों आर्टिकल्स की अगर बात करें कि क्लोज मेथड के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है वो रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो आर्टिकल्स की अगर दोस्तों बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं जो नीडल होती है बायोप्सी नीडल है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, बायोप्सी नीडल। ठीक है दोस्तों, बायोप्सी नीडल है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो बायोप्सी नीडल है 2 types की होती है, एक तो होती है सिल्वर मांस नीडल, एक होती है मैगनीज नीडल। ठीक है, मैगनीज नीडल है
कॉमनली यूज, जो मैगनीज नीडल है मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बायोप्सी नीडल है वहाँ पर टू टाइप्स की बताई गई है, एक तो होती है सिल्वर मांस नीडल, एक होती है मैगनीज नीडल, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ में आर्टिकल्स की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं 2% जाइलोकेन जेली, यहाँ पर 2% है जाइलोकेन जेली है, उसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर द यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं प्रिजर्वेटिव एजेंट की, प्रिजर्वेटिव एजेंट की अगर बात करें दोस्तों तो प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं 10% फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन, ठीक है दोस्तों। 10% फॉर्मेलिन है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 5% बीटाडीन एंड स्प्रिट, 5% बीटाडीन एंड स्प्रिट है वो भी क्या करेंगे यहाँ पर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ साथ में हम लोग बोल सकते हैं स्टेराइल कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर है वो भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल्स की बात हुई, आर्टिकल्स के हमने अंदर देखा बायोप्सी नीडल है उसकी नीड रहेगी, बायोप्सी नीडल टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है सिल्वर मांस नीडल, एक होती है मैगनीज नीडल, मैगनीज नीडल है मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है 2% जाइलोकेन जेली यूज़ करते हैं इसके अंदर, पर प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में हम लोग 10% फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, 5% बीटाडीन एंड स्प्रिट है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, नीड रहेगी स्टेराइल कंटेनर की, जिसके अंदर है सैंपल हम लोग कलेक्ट कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हुई यहाँ पर आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स के बाद में हम लोग देखते हैं पोजीशंस के बारे में, आर्टिकल्स के बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों पोजीशंस, पोजीशंस ड्यूरिंग प्रोसीजर, दोस्तों प्रोसीजर है उसके दौरान क्या करेंगे हम लोग, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों पोजीशन की अगर बात करें तो जनरली हम लोग है सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करने के साथ साथ में जो राइट साइड का जो हैंड है, राइट साइड का जो हैंड है वो हेड के नीचे अंडर द हेड है वो प्ले वहाँ पर प्लेस कराएंगे, और इसी के साथ साथ में जो राइट साइड का जो लेग सॉरी राइट साइड का जो हिप है वहाँ पर क्या करेंगे, पिल्लो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, सुपाइन पोजीशन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पोजीशन की अगर बात करें, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन एंड अप्लाई राइट हैंड अंडर द पेशेंट हेड, देन पिल्लो अप्लाई ऑन, पिल्लो अप्लाई अंडर द राइट हिप, ठीक है दोस्तों। सुपाइन पोजीशन एंड अप्लाई राइट हैंड, सॉरी यहाँ पर ये कर सकते हैं, सुपाइन पोजीशन एंड राइट हैंड अंडर द पेशेंट है पेशेंट हेड, राइट हैंड अंडर द पेशेंट हेड, देन पिलो अप्लाई अंडर द राइट हिप, ठीक है दोस्तों। तो सुपाइन पोजीशन के साथ साथ में क्या करेंगे, राइट जो हैंड है वो पेशेंट के हेड के नीचे लगाएंगे, और उसके साथ साथ में जो राइट साइड का हिप है वहाँ पर एक पिलो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों साइट सिलेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर बात करते हैं साइट सिलेक्शन की, जहाँ पर हम लोगों को बायोप्सी लेनी है, कहाँ से बायोप्सी लेनी है,
ठीक है दोस्तों, कि वहाँ पर जो साइट है वो सेलेक्ट करेंगे जिस साइट से हमें बायोप्सी लेनी है। तो दोस्तों साइट की अगर बात करें तो हम लोगों ने पहले भी एक बार पढ़ा था, जब हमने बात किया था डिस्कशन थोरेकोसेंटेसिस के बारे में, मैंने बताया था कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी उसके अंदर, बताया हुआ अभी है मेरा कि कौन सी साइट पर हम लोग है वो लीवर बायोप्सी करते हैं। ठीक है, चलिए आपको याद नहीं है तो चलिए बता देते हैं, 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है दोस्तों, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर मैंने जो ये पोजीशन बताई ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि पेशेंट है उसके अंदर लीवर बायोप्सी है वो कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अभी रिसेंट के अंदर नोट सेट 2023 के अंदर नोट सेट जो 4 था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी पेशेंट के अंदर लीवर बायोप्सी करनी है तो उसको कौन सी पोजीशन करवाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर है हम लोग सुपाइन पोजीशन, राइट हैंड अंडर द पेशेंट हेड देन पिल्लो अप्लाई अंडर द राइट हिप। ये चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखनी। पोजीशन यहाँ से ही क्वेश्चन पुटअप होता है मेन, तो लीवर बायोप्सी के अंदर। नेक्स्ट वन, साइट सिलेक्शन के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीवर बायोप्सी है वह पेशेंट के कौन से साइड से किया जाता है, तो हम लोगों को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन से क्या करते हैं यहाँ पर पेशेंट के अंदर लीवर बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग दोस्तों देखते हैं कि पेशेंट के अंदर अगर लीवर बायोप्सी करने जा रहे हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो पेशेंट को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विच क्वेश्चन की अगर बात करें, विच इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर के दौरान कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं कि 2 to 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसको बोलेंगे 2 से 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज वो करें। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज की अगर बात करें, इनहेल एंड एक्सहेल, पेशेंट को बोलेंगे 2 से 3 बार इनहेल और एक्सहेल करें। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम लोग पेशेंट को बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जैसे ही 2 से 3 बार इनहेल और एक्सहेल करें उसके बाद में पेशेंट को क्या करनी है, होल्ड द ब्रीथ एक्सरसाइज, होल्ड द ब्रीथ एक्सरसाइज, और कब होल्ड करनी है, आफ्टर एक्सेल। एक्सेल करने के बाद में, सांस छोड़ने के बाद में, तुरंत बाद में क्या करना है, जो ब्रीथिंग है उसको क्या करना है, होल्ड करना है। जैसे ही वो होल्ड करेगा वहां पर क्या करनी है, नीडल इंसर्शन एंड सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर। जैसे ही क्या करेगा पेशेंट ब्रीथिंग को होल्ड करेगा उसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग नीडल को इंसर्ट करेंगे और सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर करेंगे। और सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर में कितना टाइम लेंगे हम लोग, टेक्स 5 to 10 सेकेंड। 5 to 10 सेकेंड के अंदर ही क्या करेंगे, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन है वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम लोग बात करें आफ्टर सैंपल कलेक्शन। जैसे ही पेशेंट के अंदर हमने क्या किया, सैंपल का कलेक्शन किया, और सैंपल कलेक्शन करने के बाद में क्या करेंगे, सैंपल कलेक्शन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे उस एरिया को, ड्रेसिंग ऑफ द साइट ऑफ इंसर्शन। इंसर्शन जो साइट है वहां पर क्या करेंगे, ड्रेसिंग करवा देंगे। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर हमने देखा दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे, शुरू शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर है वो इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो पेशेंट को बोलेंगे 2 to 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, इनहेल और एक्सरसाइज की जो 2 से 3 एक्सरसाइज करें। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद में अचानक से क्या करना है, उसको होल्ड करना है, ब्रीथिंग को होल्ड करना है आफ्टर द एक्सेलेशन। जैसे ही सांस बाहर छोड़े उसी समय क्या करना है, 2 से 3 एक्सरसाइज करने के बाद में जैसे ही एक्सेल करे बाहर जो सांस छोड़े उसी दौरान क्या करना है, उसको होल्ड करना है अपनी ब्रीथिंग को, जो कि क्या करता है टू प्रिवेंट डायफ्रामेटिक इंजरी, जो कि क्या करता है डायफ्रामेटिक इंजरी को प्रिवेंट करता है। जैसे ही होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद में तुरंत क्या करेंगे, नीडल को इंसर्ट करेंगे। नीडल इंसर्ट करने के बाद में सैंपल है वो कलेक्शन प्रोसीजर, सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग लेंगे टाइम कितना लेंगे, 5 to 10 सेकेंड के अंदर क्या करना है उसी दौरान सैंपल कलेक्शन करेंगे। आफ्टर द सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन करने के बाद में ड्रेसिंग करेंगे उस साइट को, जो इंसर्शन साइट है उसको क्या करेंगे हम लोग बाद में ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें, पहले हमने देखा था पोजीशन की बारे में, हमने देखा था पोजीशन बिफोर द या फिर ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों पोजीशन, पोजीशन आफ्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में कौन सी पोजीशन हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों पोजीशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं राइट लेटरल, राइट लेटरल एंड पिलो एंड अप्लाई पिलो अंडर द साइट। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट के अंदर ये 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, अभी नॉर्थ सेट 04 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि लीवर बायोप्सी है उसकी किसी पेशेंट की लीवर बायोप्सी हुई है और लीवर बायोप्सी होने के बाद में पेशेंट को कौन सी पोजीशन है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों पोजीशन की अगर बात करें लीवर बायोप्सी होने के बाद हैं जो पोजीशन की अगर बात करें तो पोजीशन है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे और क्या करेंगे पिलो अप्लाई करेंगे अंडर द साइड, जो जिस साइड पे ड्रेसिंग हुई है उस साइड पे क्या कराएंगे पिलो है वो अप्लाई करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, पिलो अप्लाई ये है हम लोग है इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, किस लिए करवाते हैं, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहां पर पिलो है साइड पे पिलो है वो प्रोवाइड करवाते हैं राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करके। ये हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट थ्री होवर्स स्टे इन दिस पोजीशन, इसी पोजीशन के अंदर लगभग 3 घंटे तक क्या करना है पेशेंट को, इसी जो पोजीशन के अंदर क्या करना है स्टे रखना है 3 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, जिससे है वो पेशेंट के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग के वो है वो कम हो या फिर प्रिवेंट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आज बात की जो लीवर बायोप्सी है उसके बारे में, लीवर बायोप्सी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, पर्पस पढ़े, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पढ़े, इंडिकेशंस पढ़े या फिर जो लीवर बायोप्सी करने के कुछ मेथड्स है वो भी पढ़े, और साथ साथ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर जो कि पोजीशन से रिलेटेड है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर है वो कौन सी पोजीशन देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको मैं बता ही चुका हूँ कि सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, साथ साथ में राइट साइड का जो हैंड है वो पेशेंट के हेड के नीचे क्या करेंगे लगाएंगे, और उसके साथ साथ में जो राइट साइड का जो हिप है वहाँ पर क्या करेंगे पिलो अप्लाई करेंगे। ये तो है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आफ्टर द जो प्रोसीजर है वो पोजीशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, और जो साइट जो इंसर्जन साइट है वहाँ पर क्या कराएंगे ड्रेसिंग करने के बाद में इंसर्जन जो साइट है वहाँ पर क्या करेंगे पिलो है अप्लाई कराएंगे, और इसी तरीके की जो पोजीशन है इस जो पोजीशन जो ले राइट लेटरल जो पोजीशन है वो लगभग पेशेंट को 3 घंटे तक यही सी पोजीशन में हम लोग है रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए
थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टैलेंट नर्सिंग एकेडमी का जो चैनल है वो ऑनलाइन जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ में शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे जो भी क्लासेस है उसके बेनिफिट्स है वो मिलते रहें आपको, ठीक है दोस्तों। साथ साथ में दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपके पास में जो भी क्लासेस है उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास में टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।